तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, देन आपको न्यू इफ्टी फायर में क्लिक कर लेना है और फ्रेंड्स आपको 9x16 का जो पार्ट है उसमें आपको सिलेक्शन करना है। अभी फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा जो काइन मास्टर है वो ओपन हो गया है। अभी फ्रेंड्स आपको ऊपर में आपको मीडिया का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको फ्रेंड्स मीडिया में क्लिक कर लेना है और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो आप रिकॉर्डिंग किए हैं वीडियो फाइल को उस फाइल को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइमलाइन पे ले आना है। जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं यहाँ पर उस फाइल को ले आया हूँ। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको उसी फाइल में एक बार क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस फाइल का जितना सारा ऑडियो है आपको फ्रेंड्स निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको ऑडियो फ्रेंड्स आपको क्लिक करके आपको पूरा निकाल लेना है। देन फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपके वीडियो में भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आगे में रह गया होगा, आपको भी फ्रेंड्स इस तरह से मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आपको भी इरेज करना है। अभी फ्रेंड्स आपको उस जगह को सर्च करना है जिस जगह पर फ्रेंड्स आप पूरा जंप कर रहे हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं उस जगह पर सर्च कर रहा हूं, आपको भी फ्रेंड्स इसी तरह से आपको सर्च करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस जगह पे अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहां पर लेयर में क्लिक करना होगा, देन आपको मीडिया फाइल में सिलेक्शन करके फ्रेंड्स आपको उस फाइल को ले आना है जिस फाइल में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा कि आप पहले ही इस बैकग्राउंड का एक खाली बैकग्राउंड का एक फोटो आप क्लिक करके रख लीजिएगा उस फाइल को, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जरूरत पड़ेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा उस खाली बैकग्राउंड को यहाँ पर ले आया हूँ। अभी फ्रेंड्स इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, देन आपको फ्रेंड्स आपको ये पूरा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले में आपको क्लिक करके फ्रेंड्स आपको पूरा फोटो को यहाँ पर ले आना है और फ्रेंड्स फिर से आपको यहाँ पर लेयर में क्लिक करना है। देन आपको मीडिया फाइल में क्लिक करके फ्रेंड्स मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस ग्रीन स्क्रीन का लिंक दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो मैं आपको आपको उसी ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पर लाना होगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर उस ग्रीन स्क्रीन को अपना टाइमलाइन पर ले आया हूँ। तो देख सकते हैं ये इस वाले ग्रीन स्क्रीन को अभी फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर कोरमाके का ऑप्शन दिख रहा होगा, कोरमाके में क्लिक करना होगा फ्रेंड्स आपको और क्या करना होगा, कोरमाके को फ्रेंड्स इनेबल कर देना होगा जैसा कि मैं इनेबल कर दिया हूँ फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स आपको इस कोरमाके को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, देन आपको ओके करके बाहर आ जाना है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस वाला जो ग्रीन स्क्रीन हो और आपका जो नीचे का लेयर है फ्रेंड्स उसको आपको अच्छे से एडजस्ट करना होगा। अगर फ्रेंड्स आप अच्छे से एडजस्ट नहीं करोगे तो आपका जो इफेक्ट है वो अच्छे से तैयार नहीं होगा, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही ध्यान से इस इफेक्ट को करें। अगर फ्रेंड्स आप ये ध्यान से नहीं करते हो तो आपका जो मैच है वो अच्छे से नहीं होगा और आपका इफेक्ट अच्छे से नहीं दिखेगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से ये सब पूरा काम करें। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरा जो लेयर है वो अच्छे से मैच कर गया है। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ऊपर में आपको फ्रेंड एक्स्ट्रा कुछ पार्ट दिख रहा होगा उसको फ्रेंड्स आपको यहां से हटा देना है। इस तरह से आपको सीजर में क्लिक करके फ्रेंड्स ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटक को हटा देना है। अभी फ्रेंड्स आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस कोना में शेयर में क्लिक करके फ्रेंड्स आपका जो फाइल है उसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में भी आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, देन फ्रेंड्स आपको न्यू फाइल में क्लिक करके आपको फ्रेंड्स यहां पर भी 9x16 का जो पार्ट है उसमें आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने क्लिक करके टाइम काइन मास्टर को ओपन कर लिया है। अभी फ्रेंड्स आपको मीडिया फाइल में क्लिक कर लेना होगा और देन फ्रेंड आपको आपका जो बैकग्राउंड का आप लोग फोटो क्लिक किए थे उस फोटो को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइमलाइन पे ले आना है। जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उस फाइल को टाइमलाइन पे ले आया हूँ। अभी फ्रेंड इसको कुछ तरह से बड़ा कर देंगे और फ्रेंड्स आपको फिर से आपको लेयर में क्लिक करके आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था फ्रेंड्स जहाँ पर आप बाहर की ओर आ रहे हैं उस वीडियो को फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टाइमलाइन पर ले आना है। जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं मैंने उस फाइल को यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, आपको भी सर्च करके अपना गैलरी को ओपन करके यहाँ पर आपको उस फाइल को ले आना है। तो देख सकते हैं मैंने उस फाइल को ले आया हूँ। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उस जगह को आपको सर्च करना है जिस जगह से फ्रेंड्स आप जंप करना स्टार्ट किए थे। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने उस जगह को सर्च कर रहा हूँ, आपको भी फ्रेंड्स इसी तरह से आपको सर्च करना होगा। तो देख सकते हैं मैंने उस जगह को फ्रेंड्स सर्च कर लिया है। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपल से ऊपर में आपको एक सीजर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करके फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आगे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको हटा देना है जैसा कि मैं हटा दिया हूँ। अभी फ्रेंड्स आपको नीचे वाले लेयर का एकदम पूरा फर्स्ट वाले लेयर का एकदम पूरा सामने लेके आना है जैसा कि देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ पर ले आया हूँ। अभी फ्रेंड्स आपको फिर से आपको लेयर में क्लिक करना होगा और फ्रेंड्स आपको इस वाला बॉक्स में क्लिक करके आपको ये वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा और फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको लेयर में क्लिक करना होगा। देन आपको फ्रेंड्स आपको ऊपर में आपको मीडिया फाइल दिख रहा होगा, मीडिया फाइल में क्लिक करके फ्रेंड्स आपको जो मैंने ग्रीन स्क्रीन दिया है उस ग्रीन स्क्रीन को फ्रेंड्स यहाँ पर ले आना है।
जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने उस ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पर ले आया हूँ। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपल सा इसमें भी आपको क्रोमा की में क्लिक करना होगा। क्रोमा की में क्लिक करके फ्रेंड्स आपको इसको इनेबल कर दे के देना है, और फ्रेंड्स आपको अच्छे से आपको एडजस्ट करना है इसके में भी जिस तरह आप फर्स्ट स्टेप में किए हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाले जो लेयर है उसमें आपको क्लिक करना है, देन आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट में क्लिक करके सेंड टू बैक में आपको क्लिक कर देना होगा फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा जो लेयर है वो नीचे पीछे चला गया। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको इस चीज़ को अच्छे से आपको एडजस्ट करना होगा। जिस तरह से फ्रेंड्स आप फर्स्ट वाले स्टेज में आप किए हैं उसी तरह स्टेप में भी, सेकंड स्टेप में भी आपको फ्रेंड्स उसी तरह से आपको इसको एडजस्ट करना होगा। आपको बहुत ही ध्यान से पूर्वक करना होगा। अगर फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं तो आपका जो आउटर है वो अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है इसको भी आप ध्यान से करें। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा जो आउटर है वो अच्छे तरह से बन चुका है। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ऊपर वाले पास में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसको आपको फ्रेंड्स हटा देना है। देन आपको इस कोना में शेयर का ऑप्शन देखकर फ्रेंड्स आपको भी इसको भी एक्सपर्ट कर लेना है। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट बार में जो आप एक्सपर्ट किए हो फाइल को, उस फाइल को फ्रेंड्स, और सेकंड में जो एक्सपर्ट किए हो उस फाइल को फ्रेंड्स आपको काइन मास्टर में ले आना है। देन फ्रेंड्स आपको क्या करना है, दूसरे के साथ उसको ऐड करके फ्रेंड्स आपको इसको नाम शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर में क्लिक करके फ्रेंड्स दोनों को एक साथ एक्सपर्ट कर लेना है।